कहते हैं जहाँ एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वही आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। क्या आपको पता है कि गन पाउडर या गन कॉटन का आविष्कार किसने किया है? जी हाँ, आज बात करेंगे जर्मन स्विस केमिस्ट क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कॉनबीन की। स्कॉनबीन को नवाचार बेहद पसंद था। नवाचार मतलब एक ऐसा विचार जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, मतलब कुछ नया आविष्कार करना। स्कॉनबीन अक्सर घर में ही आविष्कार करने बैठ जाते थे। इस कारण कई बार घर के सामान को नुकसान भी पहुंच चुका था। उनकी पत्नी जब भी देखती कि घर के कीमती सामान को नुकसान पहुंच रहा है, वो क्रोधित होकर बोलती, इतना तो आप कमाते भी नहीं हैं, जितना आलतू फालतू के काम करके गवा देते हैं और साथ ही घर के सामान का नुकसान करते हो, वो अलग। पत्नी की बात सुनकर स्कॉनबीन चुपचाप अपने काम में लगे रहते। उन्हें पता था कि पत्नी से बहस करने का अर्थ होगा अपना पूरा दिन खराब करना। वे जानते थे कि उनकी पत्नी सही थी, लेकिन वह भी क्या करते। उन्हें नई नई खोजें करने का बेहद शौक था। अपने शौक को पूरा करने के लिए उन्हें घर से अच्छा कहीं भी नहीं लगता था। एक दिन पत्नी की अनुपस्थिति में वे अपने आविष्कार में लगे थे कि अचानक कुछ मिश्रण किचन टेबल पर छलक गया। यह देखते ही स्कॉनबीन की सांस अटक गई कि अब पत्नी की डांट से बचना नामुमकिन है। उन्होंने तुरंत एक कॉटन की एप्रिन उठाई, टेबल पर छलके द्रव को साफ किया और एप्रिन को आग के पास सूखने के लिए टांग दिया। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। यह देखकर स्कॉनबीन दंग रह गए। जांच की तो पाया कि कॉटन के सेल्यूलोज पर नाइट्रोजन की प्रक्रिया के चलते ऐसा हुआ। दरअसल अनजाने में ही स्कॉनबीन ने नाइट्रोसेल्युलोज का आविष्कार कर दिया था। इसी को गन पाउडर या गन कॉटन कहा गया है। उनके इस आविष्कार की बाजार में बेहद सराहना हुई। आविष्कार बेचने से वे आर्थिक रूप से संपन्न हो गए। यह देखकर उनकी पत्नी को भी एहसास हो गया था कि यह सब स्कॉनबीन की धुन के चलते ही हो पाया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो काम सच्ची लगन से किया जाए, उसमें सफलता अवश्य मिलती है। कहानी कैसे लगी जरूर बताएं। ऐसे प्रेरक और सुंदर कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।